सो गाइस इस टाइम पे अगर बात करें तो यहाँ पे जो वर्ल्ड कप है अपने पीक पे चलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि टीम इंडिया एक बेहतरीन यहाँ पे मजबूत स्थिति में जा पहुंची है और इनका सुपर एट्स में पहुंचना यहाँ पे कंफर्म है। और इन्होंने पाकिस्तान को रेलने के बाद पूरी तरीके से एक तरीके से मुहर लगा दिया है कि ये टीम इस बार के वर्ल्ड कप में कुछ बड़ा करने के लिए पूरी तरीके से जज्बा दिखाने वाली है। और गाइस खैर इसके बारे में तो हम लगातार बात करते ही है, लेकिन इस वीडियो के बीच में वर्ल्ड कप के माहौल में अगर आपको अगर आईपीएल और टीम्स की अगर थोड़ी सी चुटकी वाली न्यूज दे दी जाए तो क्या बनता है गाइस? यहाँ पे फैंस खुश हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे एक आईपीएल से वो जो कि न्यूज जानना चाहते हैं कि क्या होने वाला है, क्योंकि अब तो मेगा ऑक्शन भी है, तो मेगा ऑक्शन की वजह से लोग और ज्यादा इन्वॉल्व है कि भाई क्या चीजें होने वाली है, कब यहाँ पे हो सकता है। तो डेट्स कुछ यहाँ पे हाथ में लगी है, कुछ यहाँ पे रूल्स बदलने वाले हैं, सब चीजों के बारे में इस वीडियो में बात होगी। तो बेसिकली आपको करना क्या है, वीडियो को अभी से पूरा इंटर देखना, और जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किए फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि इसी टाइम पे न्यूज निकालना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है और वो काम हम करने को हमेशा तैयार रहते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग जो बात करने वाले हैं वो न्यूज के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइस जो सबसे पहली न्यूज निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है कि डेविड वार्नर का नया घर यानी गढ़ क्या रहने वाला है, क्योंकि डेविड वार्नर ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे कुछ ये पोस्ट किया था। और इस पोस्ट पे आप क्या समझ रहे हैं कि डेविड वार्नर अब की बार चेन्नई सुपर किंग्स में जाना चाहते हैं, यानी कि डेविड वार्नर आपको ही पता है कि चेन्नई सुपर किंग्स ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर को लेने में काफी ज्यादा यहाँ पे मायने रखती है, काफी ज्यादा ये चाहते हैं कि हमारे पास टीम में ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है। और वही चीज है कि अगर आप टीम देखेंगे और डेविड वार्नर की उम्र देखेंगे समय देखेंगे तो आप एक ही चीज नोटिस कर पाएंगे कि ये चेन्नई सुपर किंग्स के टीम में अच्छी तरीके फिट हो सकते हैं। तो क्या चेन्नई इनके पीछे बोली लगा सकती है, क्या इन्हें चेन्नई ले सकती है? बिल्कुल 100% कंफर्म ऐसा न्यूज निकल के आ रहा है कि चेन्नई सुपर किंग्स कहीं ना कहीं बैकेंड पे यहाँ पे यही सोर्स निकल के आ रहा है कि डेविड वार्नर के पीछे जाने वाले हैं। और अगर डेविड वार्नर के पीछे ये जाते हैं तो डेविड वार्नर का ज्यादा यहाँ पे पैसा बड़ा भी नहीं रहेगा, काफी ज्यादा ये महंगे भी नहीं जाएंगे, ये काफी ज्यादा सस्ते में ही आपको मिल जाएंगे। तो ये चीजों की बात करें तो डेविड वार्नर के पीछे अगर चेन्नई जाने के बारे में सोच रही है तो बिल्कुल आपका डिसीजन बिल्कुल करेक्ट है, आप डेविड वार्नर के पीछे जा सकते हैं, क्योंकि डेविड वार्नर आपकी टीम के लिए बेस्ट हो सकते हैं और अगले 3 साल के लिए आपके लिए यहाँ पे सप्लाई भी कर सकते हैं। तो बेटर टीम ऑप्शन और चीजें आपके लिए बेटर हो सकती है। तो पहला मेरे हिसाब से जो टारगेट है वो डेविड वार्नर रहने वाला है, और ये एक्सपेक्टेशन डेविड वार्नर भी अपनी ओर से चेन्नई को लेकर रखते हुए नजर आ रहे हैं। तो गाइस पहली बात करने वाले अगले चीज के बारे में, तो गाइस ये रहने वाला है आईपीएल के यहाँ पे रिटेंशन को देके। हाँ गाइस आईपीएल आपको भी पता है कि मेगा ऑक्शन तो बाद में होगा, क्या मेन टारगेट प्लेयर की तो जो लिस्ट आएगी वो तो बाद में आएगी, लेकिन रिटेंशन पॉलिसी कब होने वाला है? तो यहाँ पे 2-3 sources यहाँ पे News24 और 2 news sources है, नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन इन्होंने क्या ये सोर्स से दावा किया है कि यही बताया है कि इस बार के अगस्त के एंड या मिड तक यहाँ पे आपको रिटेंशन पॉलिसी की प्रक्रिया देखने को मिल सकती है। अब आपको ही पता है कि यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी होने वाला है और उसके बाद और टीम्स यहाँ पे उस चीजों में इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो वही पे मैं बात कर लूं तो यही चीजें सामने निकल के आ रही है कि उन चीजों से बचने के लिए पहले ही फिर मेगा ऑक्शन करवाएंगे। मैंने पहले ही आपको कह रखा था कि बीसीसीआई इस बार मेगा ऑक्शन जल्द करवाएगी, और जल्द तो करवाएंगे ही, लेकिन उसके पहले अगर हम लोग बात कर लिया जाए तो मेन जो रिटेंशन पॉलिसी है वो आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगी। और रिटेंशन पॉलिसी आपको वही बात है अगस्त में देखने को मिलेगी। तो टीम्स यहाँ पे अपने 4-4 players जो रिटेन करेंगे उसकी आप सूची बना के रख लीजिए, क्योंकि जो चीजें आएंगी वो आपके लिए बेहतर निकल के आएंगे। अगर चीज के बारे में बात करें, लेकिन उसके पहले टेलीग्राम के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल टेलीग्राम पे चले जाइएगा, टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे एक एक चीज आपको परफेक्शन के साथ मिल रही है। 10 से ज्यादा एडमिन्स, मॉक मेगा ऑक्शन इस टाइम पे हो रहा है, गिवअवेज होते हैं, न्यूज होते हैं, लगातार हम लाइव आते हैं, सब चीजें करते हैं। तो यहाँ पे आपको इस टाइम पे अगर आपको न्यूज चाहिए, आपको न्यूज कहीं नहीं मिल रही है, तो मैं ही बोलता हूँ कि भैया मेरे चैनल पे आ जाइए, आपको न्यूज रेगुलर मिलेंगी, सबसे पहले आपको न्यूज मिलेगी। और न्यूज का डेस्टिनी कहाँ है, लिंक आपके कमेंट बॉक्स में मौजूद है, फटाफट से जाइए कमेंट बॉक्स में और वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगली चीज के बारे में बात करें तो यहाँ पे निकल के आ रही है वो सबसे बड़ी यहाँ पे जो कि चेंज यहाँ पे थिंग होने वाला है, वो होने वाला है, बात कर लिया जाए तो इम्पैक्ट प्लेयर रूल। इम्पैक्ट प्लेयर को लेके टीम्स और प्लेयर्स ने काफी ज्यादा निराशा जताया है, और इस बार इम्पैक्ट प्लेयर रूल की वजह से ही इस बार आईपीएल में सब चीज यहाँ पे धरा का धरा रह गया था। जो टीम
यहाँ पे लगभग 300 रन बन रहे थे, 250 रन बन रहे थे और वो भी प्रोटेक्टेड नहीं थे, ये इम्पैक्ट प्लेयर रूल की वजह से ही था। तो अगर इम्पैक्ट प्लेयर रूल अगर हटता है तो बॉलर्स और बैट्समैन यही डिमांड कर रहे हैं कि आप इम्पैक्ट प्लेयर रूल हटाइए, क्योंकि इसकी वजह से बॉलर्स को और टीम को काफी ज्यादा यहाँ पे मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए ऐसा काफी ज्यादा यहाँ पे रिपोर्ट दावा कर रहे हैं कि इम्पैक्ट प्लेयर का जो रूल है वो हटता हुआ नजर आएगा, और इम्पैक्ट प्लेयर का रूल हटेगा तो बेशक चीजें आपको पहले जैसी देखने को आईपीएल में फिर से मिलने वाली है। अगर चीज के बारे में बात करें तो शिवम दुबे को लेकर आ रही है। शिवम दुबे का परफॉर्मेंस इस टाइम आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल ही बेकार है, इस टाइम पे अच्छी परफॉर्मेंस शिवम दुबे नहीं दे पा रहे हैं, और इसका सीधा सीधा जो फर्क है वो रिटेंशन में पड़ने वाला है, क्योंकि रिटेंशन अब आने वाला है, और अगर शिवम दुबे का परफॉर्मेंस इसी तरीके से रहता है तो वो रिटेन होते हुए नजर नहीं आएंगे। हाँ गाइस, मैं पहले ही आपको चीजें क्लियर कर दे रहा हूं कि अगर ये परफॉर्मेंस लगातार कंटिन्यू रहता है शिवम की ओर से तो वो यहाँ पे रिटेन होते हुए नजर नहीं आएंगे, और वैसे भी अगर धोनी का मन किया अगले साल खेलने का तो वैसे भी शिवम दुबे रिटेन नहीं होंगे। तो ये चीजें मैं आपको बता दे रहा हूँ कि शिवम दुबे पे जो कच्चे जो कि घने बादल है वो लगातार दिखते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये चीजें आपको यहाँ पे दिक्कत करेंगे शिवम दुबे। तो अपने परफॉर्मेंस को बेटर करिए, टीम्स भी इसी तरीके से आपसे एक्सपेक्टेशन रखें, और आप भी प्लीज उस पर खड़े उतरिए, नहीं तो चीजें आपके लिए अभी तो खराब है ही, आगे चल के और ज्यादा खराब हो जाएंगी, जिसको आप संभाल भी नहीं सकते। तो गाइस ये थी वो सभी न्यूज जो कि निकल गया थी, मैंने आपको बता दिया है। सो गाइस फाइनली बताइएगा कि आपके लिए कौन सी खबर सबसे अच्छी, आपकी अपनी राय कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट करें, लाइक कमेंट शेयर किए अपने दोस्तों के साथ। चलिए दोस्तों फिलहाल के वीडियो एंड करते हैं।